नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। तो दिस इज मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स बलेनो और ग्रैंड विटारा का मिक्सचर आपको इसमें दिखाई देने वाला है। बात करेंगे ये गाड़ी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं सामने से फ्रंट प्रोफाइल के बारे में स्ट्रेट अवे बात करेंगे। तो फ्रंट प्रोफाइल ऐसा कुछ निकल के आता है, तीन आइस क्यूब शेप में आपको इंडिकेटर्स एंड वही आपको DRL का काम करने वाले है। तीन आपको यहाँ LED इसमें ट्रायो हेडलैम्प्स मिलेंगे, आपको ब्लैक ग्लॉसी आपको ग्रिल मिलने वाली है और यह आपको देख सकते हैं सुजुकी का लोगो वो क्रोम में है। बाकी ग्रिल के ऊपर भी आपको क्रोम वर्क दिखने वाला है, वहाँ आपको कैमरा यहाँ दिखाई देता है। तो फ्रंट का प्रोफाइल कुछ मारुति सुजुकी का ऐसा निकल के आता है जो ग्रैंड विटारा और आपको बलेनो को याद दिलाने वाला है। आपको आगे आपको स्किड प्लेट देखने को मिलने वाली है। फ्रॉन्क्स का साइड प्रोफाइल दोस्तों, अगर यहाँ बात करेंगे तो ज्योमेट्रिक स्टाइल में आपको डायमंड कट अलॉयज मिलने वाले हैं। गुडियर के टायर्स प्रोवाइड किए गए 195/60R16। डिस्क ब्रेक आगे मिलेंगे, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे। मैकपर्सन सेट के सस्पेंशन आगे मिलेंगे, पीछे आपको टॉर्जन बीम के सस्पेंशन मिलने वाले हैं। सस्पेंशन सेटअप मारुति का आपको मालूम है सॉफ्ट साइड के ऊपर रहता है। 360 डिग्री कैमरा आपको दोस्तों यहाँ मिलने वाला है, यहाँ आप देख सकते हैं LED इंडिकेटर, ORVM आपको बॉडी कलर में मिलेगा। रिक्वेस्ट सेंसर का बटन आपको ड्राइवर साइड मिलेगा, को ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर का बटन मिलने वाला है। बॉडी कलर में डोर हैंडल्स मिलने वाले हैं, नीचे आप देख सकते हैं सिल्वर कलर में साइड बीडिंग। ओके, तो ये आप देख सकते हैं साइड प्रोफाइल ऑफ मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का। अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में, तो ये है मारुति सुजुकी का रियर प्रोफाइल। वाइपर वॉशर डिफॉगर इसमें मिलने वाला है, सुजुकी का लोगो, कनेक्टिंग LED टेल लैंप्स इसमें आपको मिलते हैं, फ्रॉन्क्स की बैजिंग, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग यहाँ मिलेगी, चार पार्किंग सेंसर्स, दो रिफ्लेक्टर्स और आपको बम्पर इस तरह से मिलेगा। उसके ऊपर आपको डिफ्यूज़र या स्किड प्लेट बोलते हैं वो आपको देखने को मिलने वाला है। ओके, तो इसका बूट स्पेस 308 लीटर का बूट स्पेस हमें मिलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है, उसे यूज़ करके आप ओपन करते हैं। ग्रैब हैंडल दिया गया है, पैडिंग आपको इसमें मिलने वाली है, पार्सल ट्रे दिया गया है। तो ये है 308 लीटर का बूट स्पेस। स्पेयर टायर आपको यहाँ स्पेयर टायर मिलेगा और उसका कॉस्ट कटिंग किया गया वो देखेंगे, मेन इंपॉर्टेंट नहीं। 16 इंचेस का आपको स्टील रिम इसमें मिलने वाला है, टूल किट भी इसमें दिया गया है। तो ये तो हो गया बूट स्पेस ऑफ मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। अंदर जाने से पहले हम बात करेंगे इसके सेकेंड रो के सीट्स के बारे में। तो ये इसके तीन आपको हेडरेस मिलेंगे, आमरेस इसमें अभी भी नहीं है, दिस इज़ द टॉप एंड वेरिएंट। ओके, और इसमें दोस्तों हमें तीन एडजस्ट मिलेंगे, लेकिन जो सीट्स है वो अच्छे खासे दिए गए हैं, फैब्रिक सीट्स प्रोवाइड किए गए हैं। बात करेंगे तो आपको लेग रूम, नी रूम ठीक ठाक मिल रहा है, थाई रूम अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। ओके, आप देख सकते हैं मेरी हाइट 6 फीट है। ओके, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, जी हाँ, ग्रैब हैंडल आपको मिलने वाला है, थोड़ा ऊपर रूम्स का मिलता है। ओके, यहाँ आपको AC वेंट्स मिलेंगे और आपको चार्ज USB चार्जर आपको यहाँ पीछे मिलने वाले है। दोस्तों यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ आपको देखने को मिलने वाला है सॉफ्ट टच मटेरियल। ओके, यहाँ ब्लैक ग्लॉसी वर्क है और यह क्रोम में डोर हैंडल्स, 1 लीटर बॉटल की जगह आपको यहाँ स्पीकर मिलने वाला है। 4/50 डोर लॉक का भी ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। बात करते हैं इसके इंटीरियर से दोस्तों, तो ये है ड्राइवर साइड का डोर, सॉफ्ट टच मटेरियल अगेन, क्रोमे डोर हैंडल, पावर विंडोज की बटन, जो ऑटोमेटिक विंडो है वो सिर्फ ड्राइवर साइड रहने वाली है, विंडो लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, आपको जो मिरर है उसे लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए बटन, एडजस्ट करने के लिए बटन दिया गया है, 1 लीटर बटन जगह स्पेस दिया गया है। स्पीकर है, 6 स्पीकर इसमें मिल जाएगा टोटल। ये हाइट एडजस्टेबल, एंगल एडजस्टेबल सीट्स आगे पीछे कर सकते हैं। ओके, हेडरेस्ट है अच्छा खासा, आपको हेडरेस्ट इसमें मिलने वाला है। देन इसका स्टेयरिंग पुश स्टार्ट बटन मिल जाएगा, आपका व्यू का बटन है, HUD का बटन है, मतलब हेड सब इसलिए ऊपर आ जाएगा, और आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, और ये आपका हेडलैम्प एडजस्ट करने का बटन है, स्टार्ट पुश स्टार्ट इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन नीचे आप देख सकते हैं। और यह आपको मिलेगा सुजुकी का स्टेयरिंग दोस्तों, यहाँ ब्लैक ग्लॉसी वर्क देखते, लेदर स्टेयरिंग है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ, क्रूज कंट्रोल, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का गियर नॉब यहाँ है दोस्तों, आर्म रेस्ट। ओके, पेडल शिफ्टर के साथ आता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलेंगे, स्मार्ट पावर प्लस की म्यूजिक सिस्टम मिलेगी, नीचे ऑटोमेटिक AC, USB कनेक्टिविटी, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और वायरलेस चार्जर्स भी मिलेगा, ऑटोमेटिक डे नाइट रियर व्यू मिरर और वैनिटी मिरर आपको सनशील्ड के ऊपर डेफिनेटली मिलेंगे। यहाँ देख सकते हैं कंपार्टमेंट। ओके जी हाँ, वैनिटी मिरर मिलने वाले हैं, तो एंड्रॉइड टू एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी इसमें मिलने वाली है, ब्लैक ग्लॉसी वर्क मिलेगा, सिल्वर का वर्क इसमें डैशबोर्ड के ऊपर किया हुआ मिलेगा। तो दिस इज द इंटीरियर फॉर यू। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में RPM मीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर, देन बीच में MID स्क्रीन है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, माइलेज, इंस्टेंट डिस्टेंस टू MT, माइलेज, इंस्टेंट माइलेज, एवरेज फ्यूल कंजप्शन, वो सारा कुछ इसमें दिखाई देने वाला है। तो ये था इंटीरियर ऑफ मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का।
हमें दो इंजन देखने को मिलेंगे, 1.2 लीटर के सीरीज का इंजन और 10 लीटर का के सीरीज टर्बो इंजन। तो टर्बो इंजन बहुत पुराना है उनका, और इसमें अगर बात करेंगे तो पावर है लगभग 66 किलोवाट की आपको 1.2 लीटर की मिलेगी, 113 Nm का टॉर्क मिलेगा। और जो टर्बो है उसमें दोस्तों 100 PS की पावर है और 147 Nm का टॉर्क है। दोनों गाड़ियों में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 1.2 लीटर में इंजन में देखने को मिलेगा, और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको सिर्फ टर्बो में देखने को मिलने वाला है। माइलेज फिगर्स ऑफिशियल नहीं किए गए, लेकिन एक्सपेक्टेड कर सकते हैं हम 20 से 21 किलोमीटर पर लीटर का। तो दोस्तों ये तो थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की। दिस इज़ अल्फा वेरिएंट और इसका प्राइसिंग अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन आप इसका बुकिंग चालू कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पेज को फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।